यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो डिवाइस है, पहला है रियलमी और दूसरा है शाओमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे रियलमी यूआई 2.0 वीएसएस MIUI 12.5 और इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स मिलता है, कौन सबसे ज्यादा यूजफुल है और कौन सबसे ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी नार्जो 20 प्रो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, जिसमें आपको रियलमी वाई 2.0 मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे शाओमी का डिवाइस है रेडमी नोट 10s, जिसमें आपको MIUI 12.5 के साथ एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट मिलता है। तो एंड्रॉइड वर्जन से दोनों ही सेम है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर में क्या क्या चीजें मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा अलग है। जैसे आप जूम आउट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस भी काफी ज्यादा अलग मिल जाता है। जैसे कि MIUI 12.5 सिस्टम लॉन्चर में आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, वॉलपेपर, उडेज, सेटिंग। तो जैसे आप सेटिंग में जाएंगे तो मोर में एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे होम स्क्रीन आपको ऐप ड्रॉ वाला चाहिए या आपको क्लासिकल वाला है, तो जो भी आपको पसंद है आप यहीं से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन एंड गेस्चर बार का भी ऑप्शन मिल जाता है। पर्सनली मुझे यहाँ पे गेस्चर ही पसंद है, तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा यहाँ पे फीचर्स है, जैसे कि अरेंज रिसेंट आइटम आपको एंड्रॉइड स्टाइल में चाहिए या आईफोन स्टाइल में, आप दोनों में किसी को भी मैनेज कर सकते हैं। और बात किया जाए यहाँ पे रियलमी लॉन्चर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन, वॉलपेपर, सभी चीज यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। रियलमी में टोटल 3 मोड मिल जाता है होम स्क्रीन का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ड्रो, उसके बाद सिंपल मोड। इन तीनों में से जिसे भी आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आइकन साइज वगैरह मैनेजमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको गूगल की तरफ से न्यूज चाहिए तो दोनों में आपको मिल जाएगा। बस शाओमी में एक एडवांटेज ये है कि आपको गूगल डिस्कवर के साथ यहाँ पे ऐप बोल्ड का भी सपोर्ट मिलता है। पर्सनली मुझे गूगल डिस्कवर ज्यादा पसंद है, आपको क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। UI 12.5 कैमरा एप्लीकेशन का UI आप देख सकते हैं इस तरह का मिल जाता है। इसमें आपको हर एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक एडवांस ऑप्शन मिल जाता है मोर सेटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे कैमरा का जो UI है वो कम्प्लीट यहाँ पे चेंज हो जाता है। और इधर रियलमी UI 2.0 में आप देख सकते हैं इसका UI आपको सिंपली लगेगा। अगर आप इससे पहले ओप्पो के फोन यूज किए हैं तो आपको रियलमी UI 2.0 में जो कैमरा है उसका UI और ओप्पो का कैमरा UI में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं मिलता है। और हाँ, यहाँ पे आपको मोर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा शाओमी जैसे फीचर्स नहीं मिलने वाला है। बात किया जाए थीम एप्लीकेशन का, दोनों का यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा अलग है। दोनों में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया थीम मिल जाएगा अपने डिवाइस में यूज करने के लिए। बट शाओमी में एक एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई भी प्रीमियम थीम यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, बस आपको एक एड देखना पड़ेगा। बट वहीं पे रियलमी UI में क्या होता है कि आपको प्रीमियम थीम बाय करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हर एक प्रीमियम थीम का प्राइस अलग होता है। आप इसे ट्राई तो कर सकते हैं लेकिन वन टाइम के लिए या लिमिटेड टाइम के लिए, आपको परमानेंट यूज करने के लिए इसे बाय करना पड़ेगा। तो इसमें एक शाओमी का एडवांटेज है कि बस आप एक ऐड देखिए, बदले में आपको एक प्रीमियम थीम मिल जाता है। और MIUI 12.5 और रियलमी UI 2.0 दोनों में स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रियलमी UI में आपको एक एडवांस फीचर्स मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर में, कि आप सिस्टम ऑडियो के साथ आप अपने वॉइस का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि गेम प्ले में आप देखते हैं कि गेम का भी साउंड रहता है और जो वॉइस आप बोल रहे हैं उसका भी साउंड आप इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियलमी UI में यही एक एडवांटेज है जो MIUI 12.5 के पास नहीं है। चलते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर दोनों का UI में काफी ज्यादा अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट में आपको कुछ इस तरह का UI मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी भी मिल जाता है रियलमी UI 2.0 में। UI 12.5 फाइल मैनेजर में काफी ज्यादा अलग UI मिल जाता है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि रियलमी UI 2.0 का जो फाइल मैनेजर है वो थोड़ा स्लो है। जब भी आप जिप वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है, और वही जगह अगर आप MIUI 12.5 का फाइल मैनेजर यूज करते हैं तो काफी ज्यादा फास्ट ये वर्क करता है। बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, तो MIUI 12.5 आपको टोटल दो नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है, एक लेटेस्ट वाला और एक ओल्ड वाला, दोनों ही परफेक्टली वर्क करता है। बट रियलमी UI 2.0 में आपको सिंगल नोटिफिकेशन के साथ ही जाना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं UI डिजाइन दोनों का अलग है, दोनों में हर एक फीचर्स मिल जाता है। बट कुछ फीचर्स ऐसा है जो आपको रियलमी में मिल जाएगा और कुछ फीचर्स ऐसा है जो शाओमी में ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एंटी फ्लिकर। इससे क्या होता है कि अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह का आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा। जहां आप एंटी फ्लिकर में यूज करेंगे तो अभी आपका जो डिस्प्ले वो कम्प्लीटली यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है जो। और वही रियलमी UI 2.0 में आपको OSI विजुअल इफेक्ट में मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो काफी ज्यादा पंची देखने को मिलता है, जो कलर है वो काफी ज्यादा डीप देखने को मिल जाता है।
साउंड एंड वाइब्रेशन जनरली जो फीचर्स होता है साउंड एंड वाइब्रेशन वो सभी चीज मिल जाते हैं, जैसे कि साउंड कंट्रोल, वाइब्रेशन कंट्रोल सभी चीज। बट MIUI 12.5 में कुछ एडवांस फीचर्स मिलता है जैसे कि साउंड असिस्टेंट, इससे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन में कितना साउंड चाहिए। इस तरह का चीजें आप MIUI 12.5 में कर सकते हैं, बट रियलमी में आप ये चीज नहीं कर सकते। अब बैटरी सेविंग से रिलेटेड यहाँ पे MIUI 12.5 में टोटल दो ऑप्शन मिलता है, एक है बैटरी सेविंग और एक है अल्ट्रा बैटरी सेविंग। सेम चीज इधर मिलता है, बस नाम में आपको चेंजेस मिल जाएगा, जैसे कि पहला है पावर सेविंग मोड और दूसरा है सुपर पावर सेविंग मोड। तो यहाँ पे आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। बात कीजिए कि बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा आपको किस में मिलता है, तो ये आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे यूज करेंगे उस हिसाब से आपका बैटरी कंज्यूम होगा। चलते हैं यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने पर दोनों का UI में काफी ज्यादा चेंजेस मिलता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे Realme UI 2.0 का ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिकवर अनइंस्टॉल सिस्टम एप्लीकेशन। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप गलती से कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं और बाद में आपको इसे रिकवर करना है, तो आप इस ऑप्शन में आके इसे रिकवर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी आपको मिल जाता है MIUI 12.5 में, यहाँ से भी आप सिस्टम एप्लीकेशन को रिकवर कर सकते हैं। अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे स्पेशल फीचर्स, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे गेम टर्बो, वीडियो टूलबॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, लाइट मोड। तो ये फीचर्स जो है आपका वीडियो टूलबॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा काम भी करता है। इससे क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा वीडियो या ऑडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं या कोई भी ऐसा मीडिया एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो आप वीडियो टूलबॉक्स को यूज करके इसे आप बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं। एक एडवांटेज है रियलमी की डिवाइस में, सॉरी MIUI 12.5 यूजर्स के लिए। बात किया जाए कि रियलमी UI में ऐसा कुछ है कि नहीं, तो फिलहाल अभी है नहीं, बट इसमें आपको एक स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप काफी चीजें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। रियलमी में गेम के लिए एक गेम स्पेस आता है, उसमें भी काफी अच्छा फीचर्स मिलता है, बट वॉइस चेंजर का सपोर्ट नहीं मिलता है। और MIUI 12.5 में आपको वॉइस चेंजर का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड डिवाइस में ये वर्क करता है। यही था एक छोटा सा कंपेयर MIUI 12.5 वर्सेस Realme UI 2.0 में कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल है, इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया है। बात रही यूज का, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको Realme UI 2.0 सही लगता है या MIUI 12.5 सही लगता है। जो भी आपको पसंद लगता है उसे यूज कीजिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए, बस इतना ही बोल रहा हूं कि Realme UI 2.0 जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू MIUI 12.5 का, लेकिन ये चीज समय के साथ बदलते रहता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।